16 जुलाई 2024 सूर्यदेव का होगा राशि परिवर्तन, बनेगा बुधादित्य राजयोग। 5 राशि वाले लोगों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, 16 जुलाई के बाद से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। 16 जुलाई के बाद से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो पा पी पू शैन है, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए 16 जुलाई के दिन जैसे ही भगवान सूर्य देव गोचर करेंगे, उसके बाद से ही बुधादित्य राजयोग बनेगा और यही बुधादित्य राजयोग कन्या राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। एक तो 16 जुलाई के बाद कन्या राशि वाले लोगों की किस्मत अचानक से चमक उठेगी। इस दौरान करियर में भी आपको बड़ा अचीवमेंट हासिल होगा। अगर आप जॉब करते हैं या नौकरी वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपका प्रमोशन रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होंगे और साथ ही दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ आपको सफलता हासिल होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में लंबे समय से अगर कोई भी चुनौती, टेंशन, तनाव, पीड़ा, चिंता कुछ भी चल रही थी या कोई अनबन की स्थिति बनी हुई थी ना, तो वो भी धीरे धीरे दूर होगी। इनकम के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन की आवक बढ़ेगी। जो भी कन्या राशि वाले विवाहित है यानी कि मैरिड है ना, ऐसे लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। पति पत्नी के साथ आपसी संबंध मजबूत होंगे, धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी रहेगी। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे खुद का कामकाज करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हो, कार्य क्षेत्र में आपको मन चाहा परिणाम मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा। स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर होगा। करियर से जुड़े शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। आपको बता दें, ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव हर बार 30 दिन या 31 दिन में अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं। अभी वर्तमान में सूर्यदेव मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि 16 जुलाई 2024 के सुबह में 11:29 पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही बुध देव विराजमान है। ऐसे में बुध और सूर्य की युति से दोनों का मिलन होगा और बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। यही बुधादित्य राजयोग कन्या राशि वाले लोगों के लिए भाग्य के दरवाजे अचानक से चमकाने वाला है। आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एक तो यही बुधादित्य राजयोग आपकी राशि के 11वें घर में बन रहा है। ऐसे में आप लोग अगर बेरोजगार है और लंबे समय से नई जॉब की तलाश कर रहे थे, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे ना, तो आपको नौकरी मिल सकती है। कारोबार में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही लंबे समय से जो भी अटके हुए, रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य है ना, वो भी बनने लगेंगे। प्राइवेट कंपनी में कार्य करने वाले लोगों के लिए तो प्रमोशन का 100% महायोग बन रहा है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कन्या राशि वाले कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन जल में लाल रंग या रोली मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दीजिए और इसी समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान सूर्य देव की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही आपका भाग्य अचानक से चमक उठेगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच पाए। चलिए जान लेते हैं, बुधादित्य राजयोग और सूर्य देव के गोचर के बाद दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मुकेश कुमार, मेघना, मोहन लाल, मदन लाल, इस तरह से एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, मीना कुमारी, इस तरह से उनकी सभी की सिंह राशि होती है। और आपको ये जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि सिंह राशि के स्वामी ही भगवान सूर्य देव है, जो कि कर्क राशि में प्रवेश करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यही बुधादित्य राजयोग सिंह राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और धन का लाभ दिलाने वाला है। समाज में आप लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी आपका अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है ना, वो एक बार फिर से शुरू होगा। लंबे समय से आप किसी भी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे थे, उसमें अब सफलता पाने का समय आ चुका है। परिवार के बीच चल रहा मतभेद समाप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को आपके कार्य की प्रशंसा मिलेगी। आप प्रमोशन और तरक्की के साथ ही कोई भी बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर सकते हैं। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा और साथ ही आपकी जो लव लाइफ है वो भी पहले की तुलना में काफी अच्छी रहेगी। जो भी व्यक्ति लंबे समय से अगर विदेश में कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं, तो इस दौरान आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही शुभ स्थिति में आने से आप अपने व्यापार में कॉम्पिटिटर्स पर विजय हासिल कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि की अगर बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ हासिल होगा। और साथ ही जो भी विद्यार्थी है, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, वैसे अगर आपको अपने नाम की
राशि के बारे में पता नहीं है कि आपके नाम की राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए सुबह सुबह रविवार के दिन आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, यानी कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको रविवार के दिन उठना है और सुबह सुबह उठकर नहा धोकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाए और उसके बाद सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम भास्कराय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और आप चाहें तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपकी किस्मत भी सूर्य की भांति ही चमक उठेगी। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर और बुधादित्य राज्यों के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, धन संबंधी परेशानियां कब समाप्त होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा लाभ होगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवा कर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आप 10,000 कमाते हैं लेकिन खर्चा 12,000 हो जाता, मान लीजिए 20,000 की इनकम है तो खर्चा 22-25,000 रुपए बैठ रहा है, कुल मिलाकर पेट तो भर रहा है लेकिन तिजोरी या गल्ला नहीं भर पा रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सूर्य देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर और बुधादित्य राज्यों का बनना काफी अच्छा और आपको धन का लाभ दिला सकता है। एक तो लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो फिर से शुरू होंगे, साथ ही सूर्य देव के आशीर्वाद से परिवार के लोगों के साथ आपका समय भी अच्छा बीतेगा। उसके अलावा आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का भी भरपूर साथ मिलेगा, आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अगर आप विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपका व्यापार विदेश में है या आप पहले से ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में आप कार्य करते हैं ना, तो उस परिस्थिति में भी तुला राशि वाले लोगों के लिए लाभदायक योग बना हुआ है, आपको उसमें मुनाफा होगा, धन कमाने के नए नए स्रोत नए नए माध्यम खुलेंगे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में मजबूत होगी, और साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए जुलाई अगस्त का समय प्रमोशन के रिगार्डिंग काफी अच्छा और बेनिफिट देने वाला होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन लाल वस्त्र का दान करें। अगर आप
दान करने में असमर्थ है तो आप स्वयं अपने शरीर पर लाल रंग के कपड़े पहने, इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और साथ ही जो आपके अशुभ प्रभाव बने हुए है ना कई दिनों से, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कू बड़ा ग छ के को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्यदेव का परिवर्तन करना आप लोगों को अच्छा लाभ पहुंचाएगा। आपको अपने परिवारजन और भाई बहनों का साथ मिलेगा और उसके अलावा व्यापार में भी मुनाफा हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर 16 जुलाई के बाद हर कार्य में आप भाग्य का साथ हासिल करेंगे। इस समय जो भी आप डिसीजन लेंगे ना उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। जुलाई अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों के दौरान आप लोगों को अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा धन कमाने के नए माध्यम बनेंगे और उससे भी फायदा ही फायदा होगा। चाहे नौकरी हो या कारोबार हो, दोनों ही परिस्थिति में आप लोग अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। जुलाई के दूसरे सप्ताह में लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं होगी और साथ ही बड़े लोगों के साथ आपका संपर्क होगा और उससे भी लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज बना हुआ है ना तो उसमें भी आपको सुधार होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 11 रविवार आप सूर्य देव की पूजा करें और इस दौरान नमक युक्त भोजन से परहेज करें, यानी कि खाने में आप नमक का इस्तेमाल 11 रविवार तक नहीं करें। इससे आपके जो मनोवांछित परिणाम है वो आपको हासिल होंगे और सूर्यदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टूडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय नमः।